देखने वाले हैं कि फिजिक्स में आप रिफ्रैक्शन के कैसे नोट्स बनाओगे। रिफ्लेक्शन के तो हमने नोट्स डिस्कस कर लिए हैं इजीली, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, अब हम रिफ्रैक्शन के डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शन में अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हो, ठीक है, तो उसमें भी सेम एज इट इज एज रिफ्लेक्शन ही बनेगा। उसमें जहाँ पे मिरर था यहाँ पे लेंसेज आ जाएंगे, वहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन थी या रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको लिखनी है वो है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। अब जिसे पता है कोई दिक्कत नहीं, जिसे नहीं पता है लिखो, राइट डाउन करो। अब देखो ये होता क्या है बेसिकली रिफ्रैक्शन, जब भी आपका मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट रे जाती है तो वो बेंट होती है या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन कोई ना कोई बेंडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं जब आप मीडियम को चेंज कर रहे हो और लाइट की बेंडिंग हो रही है, उसे आप रिफ्रैक्शन बोलते हो। सेकेंड पॉइंट में जो आपको लिखना है, देखो इसमें बाकी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे वो सेम एज इज रिफ्लेक्शन की ही तरह, एक बार रीड जरूर कर लेना, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लेकिन इनमें जो आपको लिखना है ये है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, ये आपको ज़रूर से लिखना है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जहाँ पे स्पीड कम होती है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। तीसरी चीज़ जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि ऑप्टिकली डेंसर से रेयर, मतलब अगर आप रेयरर से डेंसर जा रहे हो तो मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल इसी तरह लिख देना, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर जा रहे हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये चीज़ आपको लिख देनी है। डायग्राम बहुत इजी होता है, लेकिन अगर मान लो किसी को डायग्राम नहीं आता है या डायग्राम आपको जो है भूल जाते हो या कुछ भी है, तो डायग्राम बनाओ, ठीक है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आपको इसमें लिखनी है वो ये लिखनी है कि एक होता है कि लॉज, पहले तो लॉज लिखने, जैसे हमने लॉज लिखे थे रिफ्लेक्शन के, वैसे ही रिफ्रैक्शन के लॉज लिखेंगे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों ही एक प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये लिखनी है स्नेल्स लॉ कि रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले आप एक और पॉइंट आप जैसे नोट करके लिख सकते हो, स्टार मार्क करके लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती है, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ये तो स्नेल्स लॉ हो गया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको लिखना है कि वी आई अपॉन वी वन अपॉन वी टू, ठीक है, होता है इज इक्वल टू जैसे एन टू वन होता है तो वी वन अपॉन वी टू, इस तरीके से लिखना है। इसमें दो आते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा आपका आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिखना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आपको जो चीज़ें लिखनी है वो बहुत सिंपल है, इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब आता है, उससे पहले यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ है तो यहाँ पे आपको एक चीज और लिखनी है कि डिपेंड किस पे करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिपेंड किस पे करता है, तो एक तो नेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका आपको जो स्पीड है उस मीडियम में और स्पीड जो वैक्यूम में है अपॉन में करके इसे लिख देना है, ये यूनिट लेस होती है, ये चीज़ आपको लिखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, अगर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले तो डायग्राम बनाने हैं, मैं हमेशा बोलूँगी डायग्राम इसमें बनाओ क्योंकि उससे बहुत ईजिली ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेटरल शिफ्ट है तो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो डेफिनेशन भी लिख देना यहाँ पे, नहीं याद हो तो। ये रिफ्रैक्टिव, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टिव रे है, ये इमर्जेंट रे है, ठीक है। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ठीक है। इसके बाद आपको एंगल ऑफ डेविएशन लिखना है। एंगल ऑफ डेविएशन सिंपल है, वी आई अपॉन वी वी टू, आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अपेरेंट डेप्थ के बारे में आपको लिखना है इसके बाद, ठीक है। और अपेरेंट डेप्थ के आगे इसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। इसके बाद इसके जितने भी मतलब ऊपर से देखते हैं तो नीचे वाला और ऊपर दिखता है, नीचे से देखते तो ऊपर वाला और ऊपर दिखता है, इस तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज में से लिख देना है। चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी में भी लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, कोई इंसान ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसे अबव ऊपर और दिखेगा, वो इमेज के नीचे दिखेगी, तो उस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। इसके आगे के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।